Hello students, welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 2, which is Animals Turn Human. Okay, so on page number 27, look at these pictures. Can you see these pictures? ये pictures कहाँ की है क्या आप लोग बता सकते हैं? तो ये pictures हैं circus की. आप लोग circus में गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे कि वहाँ एनिमल्स होते हैं, वो ट्रिक्स करके दिखाते हैं हमें. तो क्या आप लोगों को लगता है कि एनिमल्स से ऐसे ट्रिक्स करवाना सही है, उनको ऐसे जू में रखना सही है? तो हमारा जो चैप्टर है वो इसी बारे में है. ओके, सो टर्न टू पेज नंबर 28 एंड वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. ओके, लेसन टाइम. मदर गोरिल्ला. Around lunch time on a summer day in August 1996, a little boy visiting the Brookfield Zoo near Chicago, Illinois, eager to see big animals close up, climbing up where he shouldn't have gone. Okay, so around lunch time ke aas paas, on a summer day in August 1996 mein, समर डे पे एक छोटा सा लड़का, अ लिटिल बॉय विजिटिंग द ब्रुकफील्ड जू जो कि कहाँ पे है? शिकागो इलिनॉय में. और शिकागो इलिनॉय कहाँ पे है? ये अमेरिका में है. ठीक है, तो वहाँ का एक जू है जहाँ पे ईगर टू सी बिग एनिमल्स क्लोज अप. और वो बच्चा क्या था, वो बहुत ईगर था, बहुत एक्साइटेड था एनिमल्स को पास से देखने के लिए. Climbed up where he shouldn't have gone. और वो कहाँ चढ़ गया जहाँ उसे नहीं चढ़ना चाहिए था. He lost his balance and somersaulted over the barriers. और जब वो ऊपर चढ़ा तो उसका balance lose हो गया, मतलब वो गिरने लगा. And somersaulted over the barriers. Somersaulted मतलब turn, वो घूम के और over the barriers, falling some 20 feet down into the gorilla habitat. और फिर वो कहाँ गिर गया? बहुत ज़्यादा नीचे, 20 feet नीचे गिर गया, into the gorilla habitat, जहाँ पे gorillas रहते थे, जो gorillas का zoo में घर था वहाँ पे वो नीचे गिर गया. Craig Demetros, then a zookeeper, was having lunch just outside the exhibit. और जो Craig Demetros था, जो कि वहाँ का zookeeper था, जहाँ जो वहाँ पे animals का ध्यान रखता था और zoo का ध्यान रखता था, वो लंच कर रहा था वहाँ पे बाहर ही एग्जिबिट पे बैठा हुआ. ही न्यू समथिंग बैड हैड हैपेंड. और उसे पता चल गया कि कुछ बुरा हुआ है. व्हेन ही हर्ड अ क्राउड ऑफ पीपल येलिंग एंड सॉ स्केयर्ड फैमिलीज पुशिंग थ्रू द इमरजेंसी एग्जिट. और उसको कब पता चला, कैसे पता चला उसको कि कुछ बुरा हुआ है? जब उसने लोगों के चिल्लाने की, उसको भीड़ के चिल्लाने की आवाज़ आई. एंड सॉ स्केयर्ड फैमिलीज़. और उसने क्या देखा कि डरी हुई जो फैमिलीज़ हैं पुशिंग थ्रू द इमरजेंसी एग्जिट. वो सारी फैमिलीज़ क्या कर रही हैं, एक दूसरे को पुश करती हुई इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं. ही वॉज सून अनाउंसिंग सिग्नल 13, अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन. और उसने क्या अनाउंस कर दिया, उसने क्या बोल दिया कि सिचुएशन सिग्नल 13 दे दिया उसने. और सिग्नल 13 का मतलब क्या था कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है. देन वन ऑफ द गोरिल्लास, एन 8-year-old फीमेल नेम्ड बिंती जुआ. देन वन ऑफ द गोरिल्लास, उन सारे गोरिल्लास में से एक गोरिल्ला थी जो एन 8-year-old फीमेल, 8-year-old की फीमेल थी वो, उसका नाम क्या था, बिंती जुआ, केम क्लोजर टू द बॉयज मोशनलेस बॉडी. और वो किसके पास आई, वो जो लड़का नीचे गिर गया था वो हिल भी नहीं रहा था, तो उसकी जो मोशनलेस बॉडी थी, मतलब जो बॉडी उसकी जो हिल नहीं रही थी, वो उसके पास आई. बाय द टाइम क्रेग एंड टू हेल्पर्स लुक्ड ओवर द एज ऑफ द वॉल. और जितनी देर में क्रेग जो कि जू कीपर था और उसके दो हेल्पर वहाँ आए, बिंती वॉज बिलो विद हर 17-month-old बेबी ऑन हर बैक एंड 3-year-old ह्यूमन बॉय ड्रेप्ड अराउंड हर आर्म्स. तो उन्होंने क्या देखा
कि जो बिनती है, जो फीमेल थी, गोरिल्ला, फीमेल गोरिल्ला थी, उसने क्या कर रखा है, उसका 17 मंथ ओल्ड जो बेबी है वो तो उसकी बैक पे है, उसकी बैक पे लटका हुआ है, और जो 3 ईयर ओल्ड ह्यूमन बॉय था जो नीचे गिर गया था, उसने ड्रेप्ड अक्रॉस हर आर्म्स, और उसने अपने आर्म्स से उसको पकड़ा हुआ है. द जू स्टाफ वर्कड एट लाइटनिंग स्पीड यूजिंग वाटर होजेस टू मूव द रेस्ट ऑफ द गोरिल्लाज अवे फ्रॉम द बॉय. और जो जू का पूरा स्टाफ था, जो लोग थे जू में काम करने वाले, उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया, बहुत जल्दी से वो गए और उन्होंने वाटर पाइप्स लिए और बाकी के जो गोरिल्लास थे उनको उस लड़के से दूर करने की कोशिश की उन पे पानी मार के. मीनवाइल बिनती कैरीड द चाइल्ड अबाउट 75 फीट टू अ लॉन्ग अवे फ्रॉम द अदर एनिमल्स. और मीनवाइल उस टाइम में बिनती ने क्या किया, कैरीड द चाइल्ड को उठाया अबाउट 75 फीट टू अ लॉग अवे फ्रॉम द अदर एनिमल्स. और वो 75 फीट लॉन्ग एक लॉग था, उस पर बाकी के सारे एनिमल्स से दूर उसे ले गई. एट वन पॉइंट हर बैक टू द एनिमल्स शी सीम टू रॉक द चाइल्ड बैक एंड फोर्थ लाइक अ मदर वुड अ स्लीपिंग बेबी. और एक पॉइंट पे आके, एक टाइम पे आके उसने क्या करना शुरू किया, वो जो बच्चा था, रॉक द चाइल्ड मतलब उसको झूला झुलाना शुरू किया, बैक एंड फोर्थ लाइक अ मदर वुड अ स्लीपिंग बेबी, जैसे एक मदर अपने सोते हुए बेबी को झूला झुलाती है अपने हाथों में, वैसे उसने उस छोटे ह्यूमन बेबी को झूला झुलाना अपने हाथ में शुरू कर दिया. फाइनली शी सेट हिम डाउन. और फाइनली थोड़ी देर बाद उसने उसे नीचे रखा. एंड देन शी जॉइंड द गोरिल्ला किन एज दे मूव्ड इनसाइड. और उसके बाद उसने अपनी जो उसकी जो गोरिल्ला फैमिली थी, गोरिल्ला किन मतलब गोरिल्ला जो फैमिली थी उसकी, उनको ज्वाइन कर लिया एज दे मूव्ड इनसाइड. जैसे ही वो अंदर जाने लगे उन्होंने भी उसको ज्वाइन कर लिया. द बॉय बिगैन टू वेक अप आफ्टर बिनती फाइनली लेफ्ट. और उसके बाद उस बच्चे की नींद खुलने लगी जैसे ही बिनती चली गई थी. एंड द जू स्टाफ कैरीड हिम आउट ऑफ द एग्जिबिट. और जो जू स्टाफ था वो उसे वहाँ से बाहर ले आए. ओके, तो ये तो हमारी मदर गोरिल्ला वाली स्टोरी थी. इसके नीचे एक और स्टोरी है, द केयरिंग एलिफेंट. वन इवनिंग इन ओलगारा विलेज, वेस्ट बंगाल में एक विलेज है ओलगारा विलेज. तो वहाँ पे एक शाम को क्या हुआ, अ फॉरेस्ट एलिफेंट ब्रोक डाउन अ डोर एंड क्रैश थ्रू द वॉल. उसने ब्रोक डाउन अ डोर, एक दरवाज़ा तोड़ा, क्रैश थ्रू द वॉल, दीवार तोड़ते हुए वो अंदर आया. लाइकली इन सर्च ऑफ फूड. किस लिए आया वो, किस लिए उसने दरवाज़ा और वो दीवार तोड़ी, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में. द वीक स्ट्रक्चर वॉज नो मैच फॉर अ ह्यूज एनिमल. और जो वीक स्ट्रक्चर था वहाँ का वो उसकी स्ट्रेंथ को मैच नहीं कर पाया, क्योंकि एलिफेंट तो बहुत बड़ा और बहुत स्ट्रांग होता है. तो उसने इसीलिए वो जो वॉल थी उसको तोड़ दिया. एंड पीसेज ऑफ द हाउस केम डाउन. और जो उसने वॉल तोड़ी थी उसके जो पीसेस थे, जो ब्रिक्स थी और जो पत्थर थे, वो सब क्या हुए, नीचे गिर गए. बट देन केम द साउंड दैट चेंज एवरीथिंग. लेकिन उसके बाद एकदम से एक आवाज़ आई जिसने सब कुछ बदल दिया. द एलिफेंट सडनली फाउंड हिमसेल्फ स्टैंडिंग ओवर द बेड ऑफ अ क्राइंग चाइल्ड. एलिफेंट ने क्या देखा कि वो कहाँ खड़ा हुआ है, वो एक रोते हुए बच्चे के ऊपर की तरफ खड़ा हुआ है. एंड ही स्टॉप्ड हिज चार्ज. और ये देख के उसने क्या किया, उसका अटैक एकदम से रोक दिया. फॉर सम रीजन इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द बेबी और स्वाइपिंग हर असाइड, द एनिमल स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक एंड बिगन टू पिक अप द वेस्ट ऑफ द कॉट. और कुछ कोई रीज़न की वजह से, इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द बेबी, बेबी को इग्नोर करने की जगह, या स्वाइपिंग हर असाइड, उसको साइड में करने की जगह, उस एनिमल ने क्या किया, द एनिमल स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक. एनिमल ने अपनी सूंड आगे बढ़ाई एंड बिगन टू पिक अप द वेस्ट ऑफ द कॉट. और जिस चारपाई पे वो सो रही थी, जिस पलंग पे वो सो रही थी बच्ची, उस पे से
जितना भी वेस्ट था, जो ब्रिक्स थी या जो स्टोन्स थे, उसको वहाँ से हटाना शुरू कर दिया, क्लीनिंग अप ऑल द रबल, और वहाँ से सारे जितने भी ब्रिक्स और स्टोन्स थे उन सबको साफ कर दिया, दैट हैड फॉलन ऑन द गर्ल, जो कि उस लड़की पे गिर गए थे. Perhaps the sounds of the cry, baby's cry had brought out elephant's protective instinct. और क्या हो सकता है? हो सकता है कि उस बच्चे के रोने की आवाज़ ने had brought out the elephant's protective instincts. जो उस elephant के protective instincts थे, उसकी जो feelings थी protection की उसके towards, उसको बाहर लेके आ गई होगी. Elephants are known to respond to their हैंड हर्ड मेड साउंड ऑफ सफरिंग. एलिफेंट्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि अगर उनके झुंड में से कोई उनका साथी परेशान होगा और अगर वो उनको बुलाएगा तो वो उस पर रिस्पॉन्स देते हैं, उस पर आंसर करते हैं विद केयरसेस एंड सूदिंग साउंड, विद लविंग सॉफ्ट एंड सूदिंग साउंड्स. टू अ चाइल्ड्स पेरेंट्स इट वॉज अ गुड इट वॉज एज गुड एज अ मिरेकल. और वो जो बच्ची थी उसके पेरेंट्स के लिए वो क्या था? वो एक मिरेकल था, एक चमत्कार था. एंड देन केम अ सेकेंड मिरेकल ऑफ सॉर्ट. और उसके बाद एक मिरेकल और हुआ. द एलिफेंट्स टर्नड एंड वॉकड अवे. जो एलिफेंट्स थे वो मुड़ गए और वो वहाँ से चले गए, टर्निंग टू द फॉरेस्ट विदाउट कॉजिंग फर्दर ट्रबल. और वापस से वो फॉरेस्ट में चले गए, उन्होंने वापस उन्हें परेशान नहीं किया. वन थिंग आई लव अबाउट एनिमल्स इज दैट दे आर हम्बल. एक चीज़ जो मुझे पसंद है एनिमल्स के बारे में वो क्या है कि एनिमल्स बहुत हम्बल होते हैं. इफ़ यू आर नाइस टू देम, अगर आप उनके साथ अच्छे हो, दे आर नाइस टू, वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे. अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर रोल. और ये किसने लिखा? एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने लिखा. Animals who act generously don't care about being famous. Animals जो generously act करते हैं उनको famous होने के उनको कोई मतलब नहीं होता है famous होने से. About TV coverage or awards. ना उनको TV coverage से मतलब होता है, ना उनको awards से मतलब होता है. The good deed doer with its good deed done goes back to whatever it was doing before the incident. जो अच्छा करने वाला होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो वापस वहीं चला जाता है जो वो पहले कर रहा होता है, उस काम को करने के पहले जो भी वो काम कर रहा होता है वो वापस चला जाता है. ईटिंग स्लीपिंग रोलिंग इन द मड जस्ट बी. क्या करने वापस चला जाता है? वो खाने सोने और मिट्टी में खेलने में वो वापस जो वो कर रहा होता है वो करने चला जाता है. ओके, सो स्टूडेंट, दिस वॉज आवर चैप्टर. And I hope you understood it, and we will meet in our next lecture.